जय सियाराम, हरिओम। ये जो चल रहा है मोदी जी का अमृत काल, ये अमृत काल है या मोदी जी का मोहम्मद काल है, इस पे बात करने के लिए आया हूं। देखिए, एक्चुअली इधर मोदी जी थे जब हिंदुओं का सनातनियों का मोह भंग हो रहा है, तो लोग लिखते थे कि मैं इस बार तो नोटा में डालूंगा, जो भी हो मोदी जी को सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो हिंदुओं के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे अब बात करनी चाहिए क्योंकि एकम सनातन भारत पार्टी एक लॉन्च हुआ है, तो नोटा वाली बात नहीं रहेगी, वो पूरी तरीके से एकम सनातन भारत है, उनके सप्त सिद्धांत हैं, उस पर हम बात करते रहे हैं, हमारे चैनल्स पर हैं वो सब चीज़ें, अंकुर जी का इंटरव्यू तब भी है। तो अभी मैंने कुछ लगातार कुछ वीडियो बनाने की सोचे हैं जो तथ्यों पर आधारित है। देखिए, ये मोदी जी का अमृत काल है या महान नबी पैगंबर के नाम से ये मोदी जी का मोहम्मद काल है। शुरू करते हैं, आज से 22 साल पहले 2001 में 9/11 की घटना हुई थी, अमेरिका का ट्विन टावर ध्वस्त हो गया था और मोदी जी ने एक इंटरव्यू में जिसका नाम था बिग फाइट, उसमें कहा था कि ये जो सीडियो सेकुलर हैं वो इस्लामिक टेररिज्म बोलना ही नहीं चाहते थे। शुरुआत करते हैं वहीं से, बड़ा ही थोड़ा सा वीडियो आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन आवाज दुरुस्त है, आप सुनिए समझिए। शुरू करते हैं मोदी जी के इस बाइट से। क्योंकि गत सोमवार तक, लास्ट मंडे तक, हिंदुस्तान का मीडिया अनेक कारगुजारी के बावजूद भी इस्लामिक टेररिज्म ये शब्द उपयोग करने का कभी साहस नहीं करता था क्योंकि उनका सीडो सेकुलरिज्म इतना उन पर हावी था कि सत्य बोलने की इनकी हिम्मत नहीं थी। नफरत पैदा होती है जब कोई मजहब, मोदी जी का मतलब इस्लाम से है, मुसलमानों से है। जिस समय एक संप्रदाय ये कहता है कि मेरा संप्रदाय आपसे अलग है, ऊंचा है, जब तक तुम मेरे शरण में नहीं आओगे तब तक तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा, अल्लाह नहीं मिलेगा, जीसस नहीं मिलेगा, तब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। और मैं मानता हूं विश्व के अंदर हिंदुस्तान ने यह विचार दिया है, एकम सब विप्राह बहुधा वदंती, ट्रूथ इज वन, सेज इज कॉल्स इट इन अ डिफरेंट वे। ये मूलभूत चिंतन अगर रहा कि जगत के सब धर्म समान है तब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि तुम्हारा निकम्मा है, मेरा सही है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है और हेट्रेड पैदा होती है। वो कह रहे हैं ऐसा कोई मजहब जो कहता है कि मेरा मजहब सर्वश्रेष्ठ है और दूसरे उससे छोटे दर्जे के हैं या उनका कोई अहमियत नहीं है, वो कहते हैं हमारी शरण में आ जाओ तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। आगे की बात सुनिए, आपके दिमाग की नसें खुल जाएंगी, आप समझेंगे 22 साल पहले मोदी जी क्या थे। आपको ये समझना होगा कि मुसलमानों ने, व्हेन आई से मुसलमान, इट डज नॉट मीन इस्लाम, उनका एक पॉलिटिकल रोड मैप है, उन्होंने दुनिया को तीन हिस्सों में बांटा है, एक दारुल अमन, दूसरा दारुल हरब, तीसरा दारुल इस्लाम। दारुल अमन का मतलब है लैंड ऑफ पीस, जहां पर इस्लाम पहुंच चुका है वहां लैंड ऑफ पीस होना चाहिए, अथवा जहां इस्लाम कुछ करने की ताकत नहीं रखता है वहां पर दारुल अमन होना चाहिए। देन दारुल हरब, लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर ताकत है वहां संघर्ष करो, अपना झंडा जमाओ। दारुल इस्लाम, पूरे विश्व को इस्लाम में कन्वर्ट करना, ऐसे इरादों से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, those who are belong to the Islam, he they are doing this activity. Unless and unless we do not understand the people, we can't understand the people. We can take a break. Mind. We have Dr. Zakaria ka anti-Hindu mind, mere shabdon ko bhi samajh nahi pa raha. We have to take a break. Kuch Musalmanon ne, Mr. Modi, main baar baar kehta hu, kuch Musalmanon ne. We have to take a break. We're cutting up, Mr. Modi. We are taking up. It's not about Mr. Modi. Baar-baar Hindu phobia. Mr. Modi, this is a very serious phobia. बाईस साल पहले ये मोदी जी का व्यक्तित्व ही था क्या, उनकी इतनी लंबी प्लानिंग थी साजिश की, ये तय करना पड़ेगा। वो बता रहे हैं कि दारुल अमन क्या होता है, जहां कि इस्लाम पूरी तरीके से फैल चुका है या बहुत ही कम है।
तो वो पीस शांति का जगह होता है। दारुल हरब कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट का जगह होता है और पूरा जीत लो पूरी दुनिया को दारुल इस्लाम हो जाता है, ये मोदी जी बता रहे हैं। बताइए, ऐसे ही तेवरों से मोदी जी ने हिंदुओं का सनातियों का दिल जीता, उनके वोट लिए, सत्ता में आए, लेकिन अब वो किस तरीके से उनके पैतरे बदले हैं, उनका आचार विचार व्यवहार नियम कानून सब बदले हैं, ये मैं बता रहा हूँ और इस हिसाब से कह रहा हूँ कि मोदी जी का जो अमृतकाल है क्या वाकई मोहम्मद काल है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं, कुछ मेरे सामने हैं जो मैं अभी दे रहा हूँ। मोदी जी जिस संस्था की उपज हैं वो है RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक, जिसके प्रमुख हैं मोहन भागवत। तो मोदी जी उन्हीं के आइडियोलॉजी पे, उन्हीं के नियम सिद्धांतों पे नाच रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं, एक दो बाइट ले लेते हैं श्री मोहन भागवत जी का, वो क्या क्या रहे हैं। पहला बाइट, एक तो बात साफ है, विभाजन का उपाय उपाय नहीं था, न उससे भारत सुखी है, न उससे जिन्होंने उस समय इस्लाम के नाम पर इस विभाजन की मांग की वो लोग आज सुखी। मोहन भागवत कह रहे हैं कि इस्लाम के नाम पे ही देश बटा, लेकिन जिन्होंने इस्लाम के नाम पे अपना देश लिया वो भी आज सुखी नहीं है, वो भी आज दुखी हैं। विभाजन की उत्पत्ति किस मानसिकता में, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, क्यों, तुम अलग हो, इसलिए तुम्हारे साथ हमारा अलगाव है, एकता नहीं। मोहन भागवत ये नहीं कह रहे कि मुसलमानों ने कहा कि वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते इसलिए बंटवारा हुआ, घुमा के कह रहे हैं। और भारत नाम की प्रवृत्ति क्या कहती है, वो ये कहती है कि तुम अलग हो इसलिए तुमको अलग होने की आवश्यकता नहीं है, जितना तुम्हारा अलगाव है तुम्हारे लिए ठीक है, तुम अपने अपने पास रखो, मेरा मेरी विशिष्टता है वो मेरे पास है, सुरक्षित है, मैं उसका सम्मान करता हूं, तुम्हारी विशिष्टता का सम्मान करता हूं, झगड़ा करने की बात कहां है, मिलके चले। ये धूर्तराज आदरणीय महान श्री मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि भारत की जो प्रवृत्ति है वो ये है कि तुम्हारी विशिष्टता का मैं सम्मान करता हूं, मैं अपनी विशिष्टता का सम्मान करता हूं, ये नहीं कह रहे कि हमारी जो विशिष्टता उसका भी सम्मान तुम करो, नो, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी विशिष्टता का मैं सम्मान करता हूं, यह भारत की प्रवृत्ति है, हमारी विशिष्टता जो है उसका सम्मान मैं करता हूं, यह भारत की प्रवृत्ति है, तो फिर लड़ाई कैसी, चलो साथ मिलकर चलते हैं। ये कह रहे हैं कि आओ साथ रहो, काटो मारो पीटो काबिज हो जाओ और यहां अपनी सत्ता कायम करो और ये हिंदू सनातनियों को इस्लामिक राष्ट्र बना दो, इस्लामिक मुल्क बना दो, हिंदुओं को कन्वर्ट कर दो, जैसा कि तुमने बांग्लादेश में किया, पाकिस्तान में किया और अफगानिस्तान में किया, उनके पीछे की तो बात है जो हमें समझ में आ रही है, यही आ रही है ना। भारत हिंदुस्तान है, हिंदू और भारत अलग हो नहीं सकते, भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा, और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा। अरे भाई लोग, मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि भारत को हिंदू रहना है तो उसे अखंड होना ही पड़ेगा, पाकिस्तान को इसमें मिलना ही पड़ेगा, अफगानिस्तान को मिलना ही पड़ेगा, बांग्लादेश को इसमें मिलना ही पड़ेगा, श्रीलंका को इसमें मिलना ही पड़ेगा, तब भारत अखंड होगा और भारत हिंदू बना रहेगा। सीधा कह रहे हैं कि भैया ये साजिश समझ लो, जब ये इतनी आबादी, मुसलमानों की आबादी जो हिंदुओं से नफरत करती है, काफिर कहती है, काफिर माने वाजिब कत्ल होता है, उनकी औरतें माले गनीमत होती हैं, वो सब जो आके मिलेंगे एक साथ प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, तो प्रधानमंत्री किसका होगा, मुसलमान होगा, और ये मुसलमान जो है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, क्या हिंदू सनातनी राष्ट्र बनाएंगे। एंड इट रिमाइंड्स अस that when we think of the 99 names of Allah, none stands for force and violence, and that the first two names do not, compassionate and merciful. Allah is रहमान एंड रहीम। और अभी अभी मोदी जी बोरा समुदाय के साथ थे,
उनका कोई शिक्षण संस्थान था, उसको उद्घाटन गए थे और बोले थे कि भैया मैं तो चार पीढ़ियों से आपके साथ हूँ, आप हमारे घर आते रहे, मैं आपसे मिलता जुलता रहता हूँ, मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ। तो बताया उन्होंने, तो आप सोचिए समझिए हिंदू सनातनियों की रक्षा के लिए, हिंदू सनातनी व्यवस्था की सत्ता के लिए अगर कुछ कर सकते तो कीजिए। वैसे एकम सनातन भारत आ गया है। चलिए आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हमने जो कुछ कहा उस पर आप अगर अपना कुछ मंतव्य देना चाहें, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें तो जरूर लिखिए, ठीक है। मैं आता रहूँगा इस तरह के वीडियो को ले लेकर के, जो भी राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई बात है, हिंदू सनातनियों से जुड़ी हुई बात है, पुरुष अधिकार से जुड़ी हुई बात है, मैं बात करता रहता हूँ। और राष्ट्र प्रथम में विश्वास रखता हूं और संतों के आगे सर झुकाता हूं। तो बोलिए जय सिया राम, हरिओम।